जो शख्स कौम का रहबर हो उसको मिजाज ठंडा रखना पड़ता है। अगर वो मिजाज गर्म बना लेगा तो काम नहीं चला करता, तो फिर तो मिजाज को ठंडा करना पड़ेगा, वरना बाद मर्तबा ऐसे ऐसे नमूने आएंगे कि आदमी का टेम्परेचर बीपी हाई हो जाएगा। जैसे एक साहब मेरे पास रात में, मैं सो रहा सर्दियों में, रात में 12 बजे के करीब कॉल करके पूछते हैं, मेरी आंख खुली, मैंने कहा पता नहीं क्या इमरजेंसी होगी। फोन उठाया है तो पूछते हैं, मुफ्ती साहब ये पूछना था केले को पूरा छील के खाना सुन्नत है या आधा आधा छीलना चाहिए। मैंने कहा तेरा रात के 12 बजे ये मसला अटका है, तू सुबह में खा लेता केला। अब एकदम से तबीयत वो होती है, और बाद मरतबा थोड़ा सा वो भी आता है तो फिर कंट्रोल करना पड़ता है तबीयत पे, कि भाई अगर अल्लाह ने आपको ये मकाम दिया है कि लोग अपने मसले पूछ रहे हैं, तो 90 लोग सही पूछेंगे, 8-10 उल्टी सीधे भी पूछेंगे, तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये तो हिस्सा है हमारा। आप ये समझ लें कि ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह दावत से जुड़े हुए, तबलीग से जुड़े हुए, यही कंडीशन वहां भी आती है। बाद मरतबा लोग बड़ी उल्टी बातें कर देते हैं, ये बेचारे अल्लाह की रजा के लिए बड़ी मेहनत से दावत लेकर के जाएंगे और उसके घर पे जाकर के दरवाजे पे दस्तक देंगे, अंदर से वो बोल रहा होगा कि बेटा जाके कह दो कि अब्बू ससुराल गए हैं, और बाहर आपको आवाज भी आ रही होगी, आपका खून भी खौल रहा होगा, लेकिन बर्दाश्त करना है, बर्दाश्त करना, सब्र के साथ में काम लेना है। जो भी बंदा दीन के काम से लगेगा उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता बगैर बर्दाश्त के काम चल जाए। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह का मैंने सुनाया है कई जगह पर, यहां भी आपको बताया था, गालिबन आया था कि हजरत दोपहर में आराम के लिए लेटे तो वो सवाल करने के लिए आया, आया ही नहीं है यहां पर, अभी यहां नहीं आई ये बात। असल में मुझे ये याद नहीं रहता, रोज मस्जिदों में बयानात होते, कौन सी बात किसे बता दी किसको रह गई। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह, ये तो ना तो पता है कि 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की, सारी रात इबादत का मामूल, इल्म के लिए मेहनत करना, दोपहर में लेटते थे थोड़ी देर कैलोला करने के लिए। अब दोपहर में लेटे हैं जाकर के, एक आध घंटे की नींद निकाल रहे, ऊपर जाकर के लेटे, नीचे दरवाजे पे दस्तक हो गई, पूछा क्या काम है, क्या हजरत मसला पूछना था। भाई जो बंदा 23 घंटे 22 घंटे बैठा है मसले बताने, 1 घंटे आराम के लिए गया, उसी में मसला पूछने चले जाओ उसके पास में, मसला पूछ रहे। आप ऊपर लेटे थे, वहां से नीचे उतर करके आ गए, उससे पूछा भाई बता तेरा क्या मसला था, उसने कहा हजरत याद था यहां तक लेकिन अब भूल गया क्या था, मसला ही भूल गया क्या पूछने आया था। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने फरमाया कि भाई ठीक है जा, बस चला जा यहां से, और आप जाकर के फिर लेट गए ऊपर आराम फरमा रहे। थोड़ी देर बाद आंख लगी, फिर दरवाजे पे दस्तक, फिर उतर कर आए, देखा वो ही खड़ा है, पूछा अब, कहा हजरत याद आ गया था, पूछ भाई, कहा यहीं तक याद था, बिल्कुल अभी दिमाग से निकल गया मेरे। अब एक लम्हे को उनकी जगह आप अपने आप को रख के सोचो कि अगर आपके साथ हो जाए तो शायद आप फिर उसका ऐसा हाल बनाओगे कि तीसरी बार वो आने के काबिल ना बचे, उसे बंदा घर तक छोड़कर आएगा मार मार के। दूसरी बार भी ये हो गया, तीसरी मरतबा जाके लेटे, फिर दरवाजे पे दस्तक, फिर आए, पूछा अब क्या है, कहने लगा आपके से याद करके आया हूं, अब तक याद है। पूछा क्या पूछना था, कहा ये पूछने आया था कि बैतुल खला जो होती है, जो ये गलाजत होती है, इसमें मिठास होती है या नमकाहट होती है, ये पूछने के लिए आया था। आप एक लम्हे के लिए ये सोचो कि उस शख्स पर क्या गुजरी होगी, इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह क्या कैफियत इमाम साहब की बनी होगी। लेकिन इमाम अबू हनीफा कोई वैसे ही नहीं बन जाता, बड़ी मेहनतें होती हैं, ये चीजें होती हैं जो आदमी को इतना ऊंचा मकाम दिलवाती, इतना ऊंचा।
कितना सब्र किया होगा, मैं और आप सोच भी नहीं सकते उस सब्र का मरहला। कितनी कुव्वत बर्दाश्त है इस इंसान के अंदर। वैसी थोड़ी आज सारे आलम इस्लाम में 80% मुसलमान इमाम अबू हनीफा के मसाइल पर अमल कर रहे हैं, 80% मुसलमान पूरी दुनिया के। वैसे ही थोड़ी इमाम में आजम अबू हनीफा यानी तमाम इमामों के सबसे बड़े इमाम बन गए। कहा कि अब याद है ये मसला पूछ रहा है। आपकी भी कुव्वत बर्दाश्त कमाल की। हजरत ने बड़े सब्र के साथ फरमाया कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मिठास गालिब होती है। उसने कहा दलील क्या है इसकी, आप दलील भी दें। दलील में हजरत ने फरमाया भाई मैंने गलाजत पर मक्खियों को देखा है और ये नमकीन पे कम मीठे पे ज्यादा आती है। अब मेरे पास इतनी दलील है, बाकी अगर तुझे ज्यादा ही चेक करना है तो चीज सामने मौजूद है, तू खुद ट्राई कर जाके। मेरा दिमाग क्यों खा रहा है इसके ऊपर, जो मुझे समझ में आया वो मैंने अर्ज कर दिया। ये इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह, अर्ज में ये करना चाह रहा हूं कि बर्दाश्त बंदे को कितना करना पड़ता है। आप अगर दुनिया में किसी भी फील्ड के अंदर आगे निकलना चाहते हैं तो आप जज्बात से आगे नहीं निकल सकते, आप बर्दाश्त के जरिए आगे निकलेंगे। अगर हमें किसी भी लाइन में तरक्की करनी है, चाहे कारोबार हो आपका, आप कारोबार अगर करें तो आप मीठा बोल करके आप कामयाब हो सकते हैं, कड़वा बोल के और गुस्से निकाल के आप कामयाब नहीं हो सकते। ये नमूना हमें और आपको मिल